मेरा नाम राजकुमार दुग्गल है, मैं फिरोजपुर तो बिलोंग करता जी। मेरी एज 70 ईयर्स है। मैनू थोड़ी जी कुछ चिर तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही थी यूरिन के, बाद मैनू पता लगे चैकअप तो बाद पता लगे तो मैनू प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुई सी। तो मेरा बेटा है अमन इधर है, उसने सजेस्ट किया कि यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर रंधावा साहब बहुत अच्छी करते हैं, उसकी गाइडनेस से हम डॉक्टर साहब के पास मैक्स हॉस्पिटल में आए और हमने इधर दिखाया। सो आज आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास पेशेंट थे मिस्टर राजकुमार दुग्गल, ही वॉज डायग्नोज्ड विद प्रोस्टेट कैंसर। उनको यूरिन की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, PSA का टेस्ट कराया, वो PSA की वैल्यू बढ़ी हुई आई, इट इज़ मोर देन 4। फिर हमने उनकी बायोप्सी की और बायोप्सी में उनका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके फर्दर हमने जब पेट स्कैन कराया, MRI कराया, तो उसमें था कि प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल प्रोस्टेट के अंदर ही है, लोकलाइज्ड ही है, बाहर नहीं फैला हुआ। तो हमने उनको ऑप्शन दी कि आपकी सर्जरी होगी, जो लेटेस्ट टेक्निक है रोबोटिक सर्जरी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया, तो उन्होंने दसाया कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन रोबोटिक ऑपरेशन कर दिया जी। हमने उनकी प्रोस्टेट कैंसर की रोबोटिक सर्जरी की, ही अंडरवेंट इट 4 वीक्स बैक। आज वो हमारे पास आए थे फॉलोअप के लिए, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। PSA उनका बिल्कुल लेस देन 0.01 आ गया है, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो अपना रूटीन काम कर पा रहे हैं। एंड उनका जो मेन एक डर होता है कि उनका यूरिन लीक होगा, वो ठीक नहीं होता, एंड विद एक्सरसाइजेज एंड अगर हम प्रॉपरली रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेट करें तो वो भी कॉम्प्लिकेशन विद इन 2 to 3 months जो यूरिन लीकेज वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, इतनी थोड़ी बहुत तो चलती है, जो सर्जरी तो सर्जरी होती है, बट स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और मैक्स हॉस्पिटल में हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया गया। खास करके ICU का स्टाफ भी बहुत अच्छा सी, डॉक्टर रंधावा ने मैनू बिल्कुल अच्छी तरह समझाया सी, ते उन्होंने जिदा उन्होंने मैं दस्या सी उदा ही मेरा ऑपरेशन होया, ते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी ते बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। जो रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज डैट कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे इज लेस, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, हमें 3D विजन मिलता है, हम आर्टरीज और जो अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती और पेशेंट जल्दी अपने डे टू डे वर्क में चला जाता है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.